नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल एपी फार्मेसी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेगा न्यूज के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो प्रेगा न्यूज है आखिरकार क्या काम आती है, क्या इसके यूज है और कैसे इसका यूज करते हैं। यानी कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है, यानी महिला जो गर्भवती होती है उसका पता लगाने के लिए प्रेगा न्यूज का जो यूज किया जाता है वो आखिरकार हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है प्रेगा न्यूज जो कि मैनकाइंड कंपनी बनाती है। अब इसको हम सबसे पहले ओपन करने वाले हैं। इसको हमने कर लिया है भैया जी ओपन। तो यहाँ से ओपन होता है, इसका निशान लगा हुआ, हालांकि आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद ओपन करने के बाद इसके अंदर से निकालते हैं दोस्तों, तो ये निकलता है टेस्ट कार्ड, साथ में ये निकलती है ड्रॉप। अब टेस्ट कार्ड और ड्रॉप ये निकलती है। उसके बाद अब बात करें दोस्तों कि ये कैसे क्या काम आता है। तो दोस्तों, इसके तरफ दो सिंगल बने हुए हैं, जैसे कि एक निशान है यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये वाला निशान। यहाँ पर हमें अपने पेशाब की जो बूंद है, यानी जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं, यानी अपना जो टेस्ट करना चाहती जो महिलाएं हैं गर्भ का, वो यहाँ पर अपने पेशाब की यानी अपनी यूरिन की ड्रॉप डालें। तो मान लिया दोस्तों, अगर हमारे पास पेशाब तो नहीं, हालांकि हम ले रहे हैं पानी उदाहरण के तौर पर। अब पानी से लिया भैया हमने ड्रॉप, ये एक ड्रॉप हो गया। इसके जो गोल वाला ये निशान है यहाँ पे, इसके अंदर डाल रहे हैं एक ड्रॉप। एक ड्रॉप डाल दिया है, अब दूसरा ड्रॉप डाल रहे हैं इसी के साथ। इसमें वैसे तो मैक्सिमम 3 से 4 ड्रॉप है डलते हैं, 2 और ये डल गया तीसरा ड्रॉप। तीन ड्रॉप से 4 ड्रॉप डलते हैं, इसमें 3 ड्रॉप डल गए। अब इसके बाद हम देखें दोस्तों कि इसके जैसे हमने इसे यहां पे ड्रॉप डाला, ये हालांकि यूरिन नहीं था, नॉर्मल वाटर था। तो इसमें आ गई है भैया एक सिंगल लाइन, आपको शायद कुछ दिख रही होगी इस टाइप से, कोई सिंगल लाइन आ गई है, यानी सिंगल लाइन, यानी ये सिंगल लाइन आ गई है। इससे पहले कि मैं इस लाइन के बारे में आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको इस टेस्ट कार्ड के बारे में बता देता हूं आखिरकार ये टेस्ट कार्ड है क्या। तो दोस्तों, मार्केट में वैसे आपको अलग अलग ब्रांड नेम से टेस्ट कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पॉपुलर नेम है जो प्रेगा न्यूज है। प्रेगा न्यूज के नाम से आप किसी मेडिकल स्टोर पे लेंगे तो आसानी से आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएगा। हालांकि इसका एमआरपी अभी 50 रुपए चल रहा है, तो आपको 50 रुपए में भैया ये मिल जाएगा। अब बात कर ले दोस्तों कि ये कार्ड आखिरकार होता क्या है और क्या बताता है। तो दोस्तों, ये HCG कार्ड होता है, यानी कि जो हमारे महिलाएं होती हैं जो गर्भवती हो जाती है, यानी कि उनको अगर किसी फर्टिलाइज होता है किसी मर्द के साथ या बोल सकते किसी पुरुष के साथ, तो उसके बाद उनका क्या होता है कि उनके गर्भाशय में, यानी कि उनके जब पेशाब करती हैं तो यानी यूरिन करती हैं, तो उसमें HCG हार्मोन की हार्मोन बढ़ जाता है और वही ये शो करती हैं। HCG हार्मोन होता है जी वुमेन क्रोनिक गैनोट्रोपी हार्मोन होता है। अगर उसका पूरा नाम ले तो हम वुमेन क्रोनिक गैनोट्रोपी हार्मोन होता है जो इसी को शो करती है, यानी कि ये उसी को बताती है। अब बात कर ले दोस्तों कि ये और क्या क्या बताती है, कैसे टेस्ट करना चाहिए और कब टेस्ट तब करना चाहिए कि जैसे कि महिलाओं को, जैसे कि अभी पीरियड आना था, यानी कि उसका पीरियड अगर मिस हो जाता है, यानी कि अगर पीरियड उसको मान ले जैसे कि 1 तारीख को आना था लेकिन 1 को नहीं आया, तो उसके 5-7 दिन डिले होने के बाद ही डिले, यानी 5-7 दिन डिले हो जाते हैं, 5-7 दिन निकल जाते हैं उसके पीरियड नहीं आ पाते, तो तभी आप मार्केट से प्रेगा न्यूज लाकर टेस्ट कर सकते हैं, तभी आपको रिपोर्ट क्लियर मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि 1 या 2 दिन कई बार लेट हो जाते हैं, लेकिन अगर 7 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो आपको टेस्ट करना चाहिए। अब बात कर ले दोस्तों कि ये और क्या टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि अगर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने अभी सेक्स किया यानी फर्टिलिटी की और नेक्स्ट डे ये टेस्ट करने लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कि आपको किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर फर्टिलिटी आज हुई है तो आपको कम से कम 12 दिन, यानी 6 से 12 दिन, 12 दिन बाद ही आपको ये टेस्ट करना चाहिए, यानी मैक्सिमम आपको 14 दिन, यानी 7 से 2 वीक के बाद, यानी कि आफ्टर 2 वीक के बाद ही ये टेस्ट आपको करना चाहिए, यानी कि प्रेगा न्यूज का टेस्ट आपको मैक्सिमम 14 दिन के बाद ही करना चाहिए। अब बात कर ले दोस्तों कि इसमें हमें कैसे पता चलता है, यानी जो ये टेस्ट कार्ड है इसमें हमें कैसे पता चलता है कि महिला गर्भवती यानी प्रेगनेंसी है या नहीं है।
तो दोस्तों इसमें मैन्युअली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ये ब्लैक ये वाला जो गोल चक्कर है यानी कि ये जो यह होल है यहाँ पर तो हम अपने यूरिन को डालते हैं, लेकिन यहाँ पर शो होती है, साथ में यहाँ पर शो होता है कि वन लाइन, जैसे अभी वन लाइन आई है, मैंने यहाँ पर इस पर वाटर डाला था इसलिए वन लाइन आई हुई है। वहीं अगर इसकी बात कर ले दोस्तों, इस पर दो प्रकार के नाम लिखे होते हैं, एक तो लिखा होता है दोस्तों सी, और एक लिखा होता है दोस्तों ऊपर तो लिखा होता है ये सी, नीचे लिखा होता है टी। टी का फोर टी से अगर हम निकाले तो टी का मतलब होता है कि टेस्ट, और सी का मतलब होता है कि कंट्रोल, यानी कि ये टेस्ट कार्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी कि ये सी आना जरूरी होता है, यानी कि अगर सी में लाइन आनी जरूरी होती, पिंक लाइन जो है अगर सी में आएगी तो मान लेना कि ये टेस्ट कार्ड सही काम कर रहा है। अगर सी में लाइन किसी प्रकार की लाइन शो नहीं हो रही तो आप समझ लेना कि ये टेस्ट कार्ड वर्किंग बिल्कुल नहीं कर रहा। हो सकता है ये कई बार मार्केट में ऐसे टेस्ट कार्ड आ जाते हैं कि वो वर्किंग नहीं करते। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि सी पे तो लाइन आ गई, साथ ही साथ अगर टी पे किसी प्रकार की लाइन नहीं आई तो मतलब समझ लेना कि प्रेगनेंसी नहीं है। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि अगर साथ ही साथ जैसे सी पे भी एक लाइन शो होगी, साथ ही साथ टी पे भी एक लाइन शो होगी, यानी सी और टी पे दोनों पे लाइन आ गई तो मतलब महिला गर्भवती है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके बाद बात कर ले दोस्तों, कई बार अकेली टी पे लाइन आ जाती है लेकिन सी पे किसी प्रकार की लाइन शो नहीं होती, यानी अगर टी पे लाइन है नहीं, टेस्ट पे तो लाइन है लेकिन सी यानी कंट्रोल पे लाइन नहीं है तो मतलब टेस्ट कार्ड में दिक्कत, आप दोबारा से टेस्ट कीजिए। इसके बाद बात कर ले, जैसे आपने दोस्तों यहाँ पे यूरिन डाला लेकिन जस्ट उसके दो मिनट बाद हल्की हल्की लाइन सी शो हो रही है, यानी बिल्कुल बारीक बारीक सी पिंक सी लाइन दिख रही है, आफ्टर दो मिनट ही बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो समझ लेना कि प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर वहीं अगर बात करें दोस्तों, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपने यहाँ पे तो जैसे यूरिन डाला, किसी प्रकार की कोई लाइन शो नहीं हुई, लेकिन आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा बाद देखते हैं कि दोनों में लाइन है और वो मान लेते हैं कि हम गर्भवती हो गई, यानी वो महिला मान लेते हैं कि हम गर्भवती हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जस्ट दो मिनट बाद अगर बारीक सी लाइन पिंक लाइन शो होती है तो ही आप गर्भवती है। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि जैसे कि किसी पे कोई लाइन शो नहीं हुई, यानी कि किसी प्रकार की कोई लाइन शो नहीं हुई इन दोनों में से, तो टेस्ट कार्ड खराब है। कुल मिला के भैया आप समझ गए होंगे, अगर आपके जस्ट अगर आप पेशाब यहाँ पे डालते हैं, यूरिन अपना डालते हैं, अगर दो मिनट बाद दोनों में अगर दो लाइन हल्की हल्की सी शो हो जाती हैं तो मतलब है कि आप गर्भवती हुई हैं। हो सकता है कि आप 10-15 दिन बाद गर्भवती हुई हैं और HCG जो हार्मोन है वो बिल्कुल कम है इसलिए ये हल्की हल्की शो हो रही है। वहीं अगर दो लाइन पूर्णता आ जाती है, यानी कि दोनों लाइन अच्छी तरह दिखने लग जाती है तो आप गर्भवती हैं। अगर कुछ नहीं दिखता, अगर सी में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, सी की लाइन नहीं आती तो मतलब समझ लेना टेस्ट कार्ड खराब है। तो दोस्तों अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।